बिग बॉस के घर के अंदर अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है प्रियंका और अंकित के बीच में जो लड़ाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब प्रियंका ने साफ साफ कह दिया है कि किस तरीके से वो इस घर में किसी से डरने वाली नहीं। वहीं निमृत जो है ये कहती हुई नजर आई कि उससे प्रियंका बिल्कुल पसंद नहीं। उनका ये दावा है कि प्रियंका बार बार पर्सनल जाती हैं और बार बार जो है वो पर्सनल मुद्दे निकालती हैं। हालांकि निमृत ये भी बोलती हुई नजर आई कि मुझे नहीं पता कि प्रियंका को मुझसे क्या खुन्नस है, लेकिन निमृत की बातों से ये साफ था कि वो ये बात बोल रही थी कि अब वो प्रियंका के मुंह नहीं लगेंगी। जाहिर सी बात है कि निमृत और प्रियंका की लड़ाई में हर बार जो है प्रियंका ने निमृत को चुप करा दिया है, और यहाँ पर निमृत अपनी हार नहीं मान रही। वो ये बोल रही है कि अब वो इसलिए चुप रहना चाहती है क्योंकि प्रियंका बार बार जो है पर्सनल अटैक करती हैं। तो एक बात है कि निमृत और प्रियंका, ये पूरा घर इन दो में डिवाइड हो गया है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। और अब ये दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ ना सिर्फ लड़ती हुई बल्कि जिस तरीके से प्रियंका निमृत को हैंडल कर रही है उससे एक बात साफ है कि प्रियंका जो है वो एकदम सटीक जवाब देती है, वो कहीं फालतू बात नहीं करती, ना वो बैठकर किसी के साथ निमृत की बातें करती है। वो जो बोलना है मुंह पर बोलती है और उसके बाद वो किसी से भी किसी और की बुराइयां करती हुई आज तक नहीं देखी गई। वहीं निमृत की प्रॉब्लम ये है कि वो इधर से उधर और उधर की इधर करती है, और इसीलिए जो है निमृत जब भी अपनी बातें रखती हैं तो उन बातों में कोई किसी तरह का दम नहीं होता। लेकिन अब जो है उसने ये बात जो है इस तरीके से पेश की कि मानो प्रियंका गलत है और इसीलिए वो अब किसी भी तरह के मुद्दे जो है प्रियंका के सामने उठाना नहीं चाहती।